हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा आज आपसे पति पत्नी के झगड़े कैसे आसानी से खत्म किए जा सकते हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। पति पत्नी का रिलेशन, जो कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता है, ये 7 फेरे लगा के हम कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे के पूरे अर्धांगनी हैं पत्नियां, और जो हम यदि पाप करेंगे तो आधे पति को मिलेंगे, यदि पाप पुण्य पति करेगा तो आधे हमको मिलेंगे। तो हमारा जो पूरे कर्म है वो हमारे पूरे दोनों के आधे आधे हो जाते हैं। तो हमारा जो जीवन भर का साथ है हम लड़ाइयों में ऐसे खत्म तो नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि कैसे हम छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके हम पति पत्नी के लड़ाई झगड़ों को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि पत्नी यदि बहुत ज्यादा काम करके थक रही है, पूरे दिन सबकी सेवा करके भागती रहती है, दौड़ती रहती है, उसके बाद उसको अच्छा लगता है कि उसका पति एक बार आके उससे प्यार से पूछे कि तुम्हें थकावट हो गई या क्या हो गई, उसके साथ प्यार से बिहेव करे। तो और पत्नी को, पति यदि ऑफिस से आते हैं वो भी थके हारे आते हैं, तो पत्नी भी जब वो आए तो उसको प्यार से पूछे, प्यार से बात करे। तो क्या होता है कि इन छोटी छोटी चीजों की बातें कुछ नहीं है लेकिन वैल्यू बहुत होती है। फर्स्ट टिप है कम्युनिकेशन गैप। कभी भी क्या होता है कि हमारे आपस में हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि यदि हमें कुछ ऑफिस का स्ट्रेस है या कोई दूसरी बात है जो भी है, या लेडीज को कोई घर की प्रॉब्लम है, तो आपस में डिस्कस करना चाहिए। उससे क्या होता है कि यदि हम डिस्कस करेंगे तो हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे, उससे हमारा प्यार बिल्कुल बना रहेगा। क्योंकि जितना क्या होता है, किसी को क्या पता होता है कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, इसको यदि हम पॉजिटिव ले जाएंगे, उसकी बातों को समझेंगे, तो वो हमारे जो हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दूसरा टिप है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं, सबसे ज्यादा पास वही रहते हैं। चाहे कितना भी रिलेशन हो, कितना भी पेरेंट्स का हो या बच्चों का हो, इतना पास कोई नहीं रहता। तो जहां हस्बैंड वाइफ पास में रहेंगे वहां 4 बातें भी होंगी, और जिससे प्यार होता है इंसान उसी को गुस्सा करता है। तो हमें ये जो अपनी निगाहें हैं वो नेगेटिव में ना ले जाके पॉजिटिव में ले जानी चाहिए कि शायद ये हमसे पास रहते हैं, हम एक दूसरे के पास रहते हैं, इसीलिए हमारा ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव तरीके से देखो, ना कि उसके नेगेटिव तरीके से देखना है। क्योंकि जिससे ज्यादा प्यार होता है इंसान उसी को ही तो डांटता है, और तो किसी को डांटेगा नहीं। तो इसलिए इस चीज को पॉजिटिव में ले जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि हमें जो भी अपने हस्बैंड वाइफ की बातें होती हैं वो कभी भी थर्ड पर्सन को नहीं बताना चाहिए। हमें अपनी लड़ाई एक दूसरे में ही शांत कर लेनी चाहिए। क्या होता है कि जब मैं बता रही हूँ तो शायद सेकंड पर्सन की बात बताऊं ना, अपनी अपनी सारी कहानी बताऊं, तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमसे प्यार करता है वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और लड़ाई झगड़े और बढ़ते हैं। तो जहां तक कोशिश करो पेरेंट्स का बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। यदि उनका इंटरफेयर होगा तो लड़ाइयां ज्यादा बढ़ेंगी, और इतने मैच्योर होते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा निपटा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, हो सकता है फ्रेंड इतना मैच्योर ना हो, वो आपको गलत सलाह दे रहे, और गलत सलाह देने से हमारा रिलेशनशिप टूट जाए। तो इसलिए हमेशा जहां तक हो सके आपस में हस्बैंड वाइफ मिलके ही अपने झगड़े का निपटारा करें। एक टिप है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए। क्या होता है कि आजकल मोबाइल टीवी इतने चल गए हैं कि सब उसमें ही लगे रहते हैं, तो नहीं। क्योंकि कई बार इच्छा करती है कि हम कोई बात मन में चल रही होती है तो हम अपनी बात अपने हस्बैंड को करें, तो हमेशा ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम, चाहे साथ में योगा कर लें, चाहे हम साथ में मूवी देखने चले जाएं, चाहे साथ में वॉक करने चले जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हम टाइम एक दूसरे को कैसे दे सकते हैं, तो वो हमें देखना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। एक क्या होता है कि हम एक दूसरे की गलतियों को मन में रखे रखते हैं, कुछ भी हम आपस में डिस्कस नहीं करते। जैसे कि क्या होता है कि इसने हमें ये बात कर दी तो हम दिल दुखा के बैठ गए, या उसने ये कह दिया तो हम दिल दुखा के बैठ गए, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ना कि उसकी हमें लिस्ट बना के बैठनी है, हमें उल्टा एक दूसरे से डिस्कस करना है कि आपकी मुझे ये बात बुरी लगी, या उसको तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें उसकी बातें क्या बुरी लग रही है क्या नहीं लग रही। तो इसलिए हमेशा जो भी बात है उसकी लिस्ट ना बना के आपस में डिस्कशन करो, जिससे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए आता है।
एक टिप क्या होता है कि जब हमारी अरेंज मैरिज होती है तो हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, चाहे लव मैरिज भी हो, क्योंकि क्या होता है कि पहले तो जो लड़कियों की मस्ती होती है, लड़कियों की मस्ती होती है वो बिल्कुल अलग होती है। कुछ ऐसा नहीं होता कि टाइम से उठना होता है या टाइम से कुछ करना होता है, या हस्बैंड को समझ नहीं आता कि वो कैसे समझे एक दूसरे को, तो हमें थोड़ा समय लगता है और एक दूसरे को समय दे एक दूसरे को समझने के लिए। यूं नहीं कि एक मिनट में हम परेशान हो जाए कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, नहीं, हमें एक दूसरे को समय देना भी बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की सिचुएशन को समझ पाए, क्योंकि कोई एक अलग नेचर का होता है, एक अलग नेचर का होता है, तो अपने रिलेशनशिप को जरूर समय दें। लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ते हैं? यदि एक को गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त आप बिल्कुल शांत हो जाओ, उसका रिप्लाई भी मत करो, उसमें क्या है आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा नहीं। यदि एक को गुस्सा आ रहा है तो वो बिल्कुल शांत होके, जब किसी का मूड अच्छा हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उनको उन्हें बताओ कि आपकी मुझे ये गलती लगी, तो उससे क्या होता है आपका लड़ाई झगड़ा बिल्कुल शांत हो जाता है। आप थोड़े उस समय के लिए जब किसी को गुस्सा आ रहा है थोड़े उनसे दूरियां बना लो, जब दूरियां बना लोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा बच जाएगा, पति पत्नी का दिल एक दूसरे से दुखेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है जब हम गुस्से में होते हैं हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, फिर उसके बाद हमें अपनी गलती का बहुत रियलाइज होता है कि मैंने ये क्या कह दिया। तो इसलिए जहां तक हो जैसे ही आपका लड़ाई झगड़ा हो आप उठ के दूसरे रूम में चले जाओ या अपना दूसरा काम करना स्टार्ट कर दो, उससे आपका लड़ाई झगड़ा और दिल दुखाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, एक दूसरे को आप प्यार से चला पाओगे। यदि आपको ये मेरे छोटे छोटे टिप्स पसंद आए हो और यदि ये मैं किसी की जिंदगी में सुधार ला पाऊं तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास पर्सनल बहुत कमेंट आए थे कि मैं ये रिश्ता संभाल नहीं पा रही, हमारे बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो आप हमें कुछ ऐसे टिप बताओ जिससे कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो लंबा चले। क्या है कि आजकल बहुत ज्यादा डिवोर्स के केस हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सहने की शक्ति होती थी, पहले इंडिपेंडेंट कोई नहीं होता था, आजकल सब आत्मनिर्भर है, तो आजकल क्या होता है प्रशंसी भी आ जाती है कि एक मिनट में रिश्ता तोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता है, इसको हम जितना संभाल के ले जाएंगे उतना ही अच्छा है, तो हमें गुस्से में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक ये है कि यदि कोई ज्यादा ही आपको गालियां दे, ज्यादा ही अपमान करे, तो आप उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाओ, क्योंकि अपमान सहना भी कोई अच्छी बात नहीं है, तो आप वो अपमान मत सहो, क्योंकि इसलिए आजकल सबको आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ आप में जो हुनर है उसको आप निकालो, उसको आप कुछ ना कुछ करो, क्योंकि अर्निंग करना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसलिए आप अर्निंग भी करो, लेकिन इस रिश्ते को उसके साथ कैसे संभाल पाओगे आपको वो देखना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स यदि आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आप जो हस्बैंड वाइफ के ये एक दूसरे का दिल दुखाना, और आजकल क्या हो जाता है कि अट्रैक्शन बड़ी बुरी चीज है, यदि पत्नी को किसी दूसरे के साथ हो रहा है, पति को किसी दूसरे के साथ हो रहा है, तो ये गलत बात है। यदि हमने साथ रहने का वादा किया है तो ये बातें बिल्कुल भी हमारे रिलेशनशिप में नहीं आनी चाहिए। हमें एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, प्यार बना के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो साथ है कभी बच्चे भी अपने काम नहीं आते, कोई काम नहीं आता, जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है बुढ़ापे में वो ही हम एक दूसरे का सहारा है। तो इन छोटी छोटी लड़ाइयों को आप जितना जल्दी शांत कर लोगे, समझदारी से निपटा लोगे, तो हम रिश्ता ये बहुत ज्यादा चला पाएंगे। गुस्से में लिए हुए निर्णय सारे गलत होते हैं, इसलिए ये टिप्स को फॉलो करो, अपने हस्बैंड वाइफ की लाइफ को बचाओ और रिलेशनशिप अपना आगे बढ़ाओ। यदि आपको ये मेरे छोटे छोटे टिप्स पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब करें।